हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और भाई, इस बोतल के अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो वो ठंडा रहता है। आपके पास में भी हो सकता है ऐसी बोतल हो, और ये जो है, जैसा इस पे लिखा हुआ है कि 24 घंटे तक ये जो है पानी को, ठंडे को ठंडा रख सकती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आखिरकार इस बोतल के अंदर ऐसा क्या है जो कि इतना देर तक चीज़ को ठंडा रख सकता है। जो हीट है उसको कैसे वो ट्रांसफ़र नहीं करने देता, क्या मैकेनिज्म है इसके अंदर, तो इसको काट करके देखना पड़ेगा। आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। जो आपको करना है वो नीचे लाइक का एक बटन दिख रहा होगा, उसको दबाना है बस। आप तो वो कर दो, बाकी हम पे छोड़ दो। फटाफट से शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों 800 रुपए की एकदम नई बोतल को काटने का मन नहीं कर रहा, लेकिन काटना तो पड़ेगा और सेफ्टी ग्लव्स ऑन है हमारा। चालू करते हैं और बीचों बीच काटूंगा यहां से। तो भाई, यहां पर हमने इसके कर दिए हैं दो टुकड़े, और मुझे नहीं पता ये निकलेगा या नहीं। बिल्कुल ये निकल चुका है, और इसके अंदर एक दूसरा मेटल का ही पीस है। बिल्कुल मेटल है ये इसके अंदर। दिखने में जो है थोड़ा शाइनी सा लग रहा है। आई डोंट नो कि ये कॉपर है या फिर क्या चीज़ है। कॉपर तो नहीं लग रहा, क्योंकि कॉपर थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है, लेकिन ये हल्का सा है। और अब जो बॉटल है वो दो टुकड़ों में हो चुकी है। इसके अंदर भी एक छोटा सा यार कुछ है, देखो अंदर से खाली है। और एक चीज आपको यहाँ पर और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मिल्टन SS304। 304 भाई, मैं मेटलर्जिस्ट हूँ और मुझे पता है कि जो 304 है वो एक बहुत कॉमन यूज स्टील है। इसके अंदर लगभग 20% क्रोमियम होता है, 10% के आसपास निकल होता है, तो इस चीज से बनती है। और बाकी लोहा होता है, बाकी आयरन होता है। और भाई, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें से ये नीचे वाला पार्ट बाहर नहीं आ रहा है। भले कितना भी दम लगा लो, मैंने खूब ट्राई कर लिया बट बाहर नहीं आ रहा है, तो इसको भी काटना ही पड़ेगा। हमारे पास में ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो भाई, इस बार सारा जो खेल है वो हमारे सामने आ गया है। जो हमारी बोतल थी उसके अंदर एक और बोतल है। देखो ये कुछ ऐसे था, इसका ऊपर का हिस्सा कहाँ गया, ये रहा, ये है ऐसे। और इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस पूरे शेल के अंदर ये चीज थी। तो आप लोग देख सकते हो अब बढ़िया से कि बड़ी बोतल में छोटी इस तरीके की बोतल थी, और इनके अंदर और कुछ भी मटेरियल नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें नीचे ही नीचे देखो कि एक छोटा सा जो नुकीली चीज दिख रही होगी आपको, देखो इसमें। और वो क्या करती है कि जब ये बॉटल इस पे रखी रहती है ना, तो उसके ऊपर रखी रहती है छोटे से टिप के ऊपर। होता क्या है भाई कि जो छोटा सा टिप है ना, वो बहुत जरा सा कॉन्टेक्ट बनाता है इससे। अब इसका रोल कहाँ आता है, ये दोनों है, बीच में थोड़ा गैप है, देखो इसमें थोड़ा थोड़ा गैप पूरे में रहेगा, और उस गैप के अंदर कोई हवा नहीं होती। उस गैप के अंदर होता है वैक्यूम। आपको वैक्यूम के बारे में पता ही होगा, जहाँ कुछ भी नहीं हो। और आपको पता है कि कहीं भी अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, अगर मान लो मैंने इसमें गर्म चीज डाली, तो उसको ठंडी होने के लिए जो गर्मी है वो बाहर भेजनी पड़ेगी। बट इन दो अलग अलग कंटेनर, दोनों बॉटल के बीच में कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसा मीडियम ही नहीं है, हवा भी नहीं है, पानी कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से सारी जो हीट है वो अंदर ही रहती है। अगर ठंडी चीज में डालते हैं तो भी यही होता है, बाहर से हीट अंदर नहीं जा सकती, और इसी वजह से ये जो है काम करता है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे जो थर्मस है या फिर जो इस तरह की बॉटल है वो कैसे काम करती है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कुछ देखने को मिला है, तो एक लाइक जरूर से कर देना यार। बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे तो, कि देखो कैसा स्ट्रक्चर है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में इंफॉर्मेशन के लिए। लाइक का बटन दबा दो जल्दी से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।